इंडिया बिगिंस ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम कृष्णा गोदावरी गोदावरी बसन अजीबो गरीब नाम था भाई। तो देखते हैं भाई वीडियो और अपना भी ऑन पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3-2-1 वीडियो स्टार्ट। स्टडी आईक्यू आईएएस अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, आई एम श्योर कि आपने केजी बेसिन के बारे में सुना होगा, दैट इज कृष्णा गोदावरी बेसिन। मैं आपको मैप में दिखाता हूं। जैसा कि आपको पता होगा, जो गोदावरी रिवर है, नदी है, और जो कृष्णा रिवर है, वो अल्टीमेटली आंध्र प्रदेश पर आकर यहां पर जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, वहां पर जाकर गिरती हैं, और ये जो एरिया है वो एक तरह से डेल्टा बनाता है काफ़ी बड़ा। तो वहीं पर जो बेसिन है जहां से ऑयल और गैस का प्रोडक्शन चल रहा है, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, अभी तक इस डेल्टा में यहां पर जो बेसिन है सिर्फ गैस का ही प्रोडक्शन हो रहा था। पहली बार, जी हां, मैं आपको बता दूं, 7 जनवरी को पहली बार ऑयल निकाला गया यहां से। ये आप देख सकते हो, ONGC begins फर्स्ट ऑयल प्रोडक्शन फ्रॉम डीप वाटर ब्लॉक इन कृष्णा गोदावरी बेसिन। और इसी के बारे में हम डिटेल से जानेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने क्या कहा है, और ये कैसे भारत के लिए अच्छा है, और साथ ही साथ यहाँ पर डिले क्यों हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं स्टडी IQ पर, जैसे हमारा प्रीलिम्स क्रैक करने का बैच, इस बार जो प्रीलिम्स का एग्जाम है वो 26 मई को है, तो SIP+ आप ले सकते हैं इसको क्रैक करने के लिए। या फिर अगर आपको पूरी तैयारी करनी है UPSC की, दैट इज प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, ये सिंगल GS फाउंडेशन के बैच में आपको मिल जाएगा। कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है, या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है, और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, कृष्णा गोदावरी डीप वाटर ब्लॉक 98/2 इन बे ऑफ बंगाल, मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा मैप के माध्यम से। ये आपको पता ही है, आपका पूरा बे ऑफ बंगाल हो गया, यहां पर चेन्नई है, ऊपर यहां से जो है आंध्र प्रदेश स्टार्ट हो जाता है। तो आंध्र प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हो यहां पर KG जो डीप वाटर बेसिन है 98/2, यहां पर बेसिकली आपको मिलेगा, दैट इज जिसको जहां से ऑयल निकाला गया है। अगेन यहां पर और क्लैरिटी के लिए आपको दिखा दूं, ये आंध्र प्रदेश का ये मैप आप देख रहे हो, ये काकीनाडा आपको देखने को मिल रहा होगा, ये जो जगह है कोस्टल रीजन है, यहां से लगभग 30 किलोमीटर दूर। और आपको पता है ना, आपने ऑफ शोर बेसिन के बारे में सुना होगा और ऑन शोर के बारे में सुना होगा। ऑन शोर क्या होता है, ये कोस्ट के काफी नजदीक होता है, वहां से अगर कोई प्रोडक्शन होता है ऑयल और गैस का तो उस फील्ड को ऑन शोर फील्ड कहा जाता है। लेकिन जो तट से काफी दूर होता है, जैसे ये 30 किलोमीटर दूर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये कोस्ट से बहुत दूर होने की वजह से ये काफी डीप होगा, क्योंकि यहां पर जो वाटर लेवल है वो काफी ज्यादा होता है, राइट? तो ये काफी डीप होता है, तो इसीलिए डीप वाटर बेसिन इसको कहा जाता है। तो करीब काकीनाडा से 30 किलोमीटर के दूरी पर यहां पर जो 98/2 जो आपका ब्लॉक है, वहां से पहली बार ऑयल का प्रोडक्शन किया गया। और ये कौन किया है, स्टेट ओन्ड ऑयल कॉर्पोरेशन, दैट इज ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो कॉर्पोरेशन है, कंपनी है, उनके द्वारा ये किया गया है। और आप देख सकते हो यहां पर कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है, ये मैंने आपको बताया काकीनाडा से 30 किलोमीटर के दूरी पर। अब ये अगर आप पिक्चर देखो से तो इससे आपको समझ में आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं इस तरह का जो पूरा सेटअप है वहां पर किया गया है, जिसके माध्यम से ऑयल निकाला जा रहा है। वैसे एक और चीज मैं आपको बता दूं, कृष्णा गोदावरी बेसिन को लेकर आपने यहां पर रिलायंस का भी नाम सुना होगा, तो रिलायंस का, उसके पास में ही यहां पर रिलायंस का भी बेसिन है, जिसको KG D6 ब्लॉक कहा जाता है, और यह आपका आंध्र प्रदेश से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। अगेन यहां पर मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये वाला जो आप देख रहे हो ना यहां पर, और इसके जस्ट पास में ये वाला एरिया आपको देखने को मिल रहा है। तो आंध्र प्रदेश के कोस्ट से लगभग 35 किलोमीटर दूर जो है, यहीं पर रिलायंस का KG D6 बेसिन है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये वाला भी जो है आपका बेसिकली वहां से गैस का प्रोडक्शन हो रहा है, और ये काफी लार्ज रिजर्व है, एक्चुअली 2002 के बाद से वन ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्व बताया जाता है, जहां से रिलायंस बड़ी मात्रा में जो गैस का प्रोडक्शन है वो लगातार करता रहता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, ये रिलायंस का पहला जो ऑफशोर गैस फील्ड था वो आपका
का केजी डी सिक्स बेसिन ही था, जिसकी वजह से रिलायंस को इससे काफी प्रॉफिट हुआ है। खैर, यहां पर आप देख सकते हो जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने कहा आई एम हैप्पी टू लेट एवरीवन नो कि एस्टरडे यहां पर ONGC है, उन्होंने पहला ऑयल का प्रोडक्शन किया है। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रोजेक्ट है वो 2016 से स्टार्ट हो गया था ऑयल के प्रोडक्शन के लिए और 2017 में कंप्लीट भी हो गया था, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन है उस वो डिले होता गया कई कारण की वजह से, और वो डिले मैं आपको आगे बताऊंगा। और आप अगेन देख सकते हैं यहाँ पर हरदीप सिंह पुरी जी का ये जो ट्वीट आया था, इसको देखते हुए जो पीएम मोदी है उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा दिस इज अ रिमार्केबल स्टेप इन इंडियाज एनर्जी जर्नी एंड बूस्ट Our mission for आत्मनिर्भर भारत, it will have several benefit for our economy as well। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहां पर लगभग 26 wells हैं, वो जो जगह मैं आपको बता रहा हूं ना बेसिन जहां से प्रोडक्शन किया जा रहा है, लगभग 26 well वहां पर बताया जा रहा है, जिसमें से 4 इस समय यूज में है, और धीरे धीरे आगे चलकर बताया जा रहा है मई जून तक सभी से जो प्रोडक्शन है वो यहां पर किया जाएगा, जिसकी वजह से जो मेन एम है दैट इज 45,000 barrels per day प्रोडक्शन का वो कंप्लीट हो सकेगा। तो हर दिन लगभग 45,000 बैरल्स का प्रोडक्शन हो, ये सबसे बड़ा एम है, और जब ये होगा तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि देश में जितना भी ऑयल प्रोडक्शन होता है, मतलब हमारे देश में थोड़ा बहुत जो भी प्रोडक्शन होता है, तो उसका लगभग 7% अकेले इसी जगह से आएगा। और गैस के मामले में भी अगर आप देखोगे तो 7% यहीं से आता है, कृष्णा गोदावरी वाला वो जो ब्लॉक मैंने आपको बताया, डीप जो ओशन ब्लॉक है उसकी हम बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम पीक प्रोडक्शन की बात करें तो ये आप देख सकते हो बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। जैसा मैंने आपको बताया यहां से ऑलरेडी गैस का प्रोडक्शन किया जा रहा था, लेकिन अब क्या है जो फेज 3 है प्रोडक्शन का वो अब स्टार्ट हो चुका है, और बताया जा रहा है कि जून 2024 तक, मतलब अगले 6 महीने तक इसका जो पीक प्रोडक्शन है वो भी पहुंच जाएगा। पीक प्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जब कोई ऑयल फील्ड होता है या फिर गैस फील्ड होता है वहां से जो भी प्रोडक्शन करते हैं ना, तो पहले क्या होता है थोड़ी सी क्वांटिटी निकलती है, फिर धीरे धीरे करते करते प्रोडक्शन बढ़ाया जाता है, तो एक ऐसा समय आता है जहां पर पीक पहुंच जाता है कि उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा, और कुछ समय तक पीक प्रोडक्शन रहता है और फिर वहां से प्रोडक्शन धीरे धीरे गिरने लग जाता है। तो ये जो पूरा ब्लॉक है ये कई सालों का है, लेकिन यहां पर बताया जा रहा है कि बहुत जल्द हम पीक प्रोडक्शन पे पहुंचने वाले हैं, जिसकी वजह से ONGC को भी इससे काफी फायदा होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं ONGC के पास देश में जितने भी फील्ड्स थे वो काफी मैच्योर हो गए थे, मैच्योर का मतलब काफी पुराने हो गए थे, तो जिसकी वजह से यहां पर जो अब ये प्रोडक्शन हो रहा है यहां पर, इसकी जैसे ONGC का जो प्रोडक्शन है वो लगातार बरकरार रहेगा, उसमें गिरावट नहीं आएगी। और आप देख सकते हैं इसकी वजह से ONGC का जो गैस प्रोडक्शन है वो 11% बढ़ेगा और ऑयल प्रोडक्शन लगभग 15% बढ़ने वाला है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो KG-98-2 का जो हम बात करें, इस प्रोजेक्ट की बात करें, ये इतना मायने क्यों रखता है? बताया जा रहा है कि इस तरह की जो लार्ज प्रोजेक्ट्स हैं ये देश का जो ऑब्जेक्टिव है ना, हमें आत्मनिर्भर बनना है कि हम जितना ऑयल और गैस इंपोर्ट करते हैं उसको कम से कम करना है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ये मदद करते हैं इस तरह के प्रोजेक्ट्स कि हमारा जो एनर्जी नीड्स हैं वो हम देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके ला सकें, इसमें ये काफ़ी मदद करते हैं। और आपको पता ही है कि भारत दुनिया में 3rd largest कंज्यूमर ऑफ क्रूड ऑयल है और हम लगभग अपना 85% इंपोर्ट के माध्यम से करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए क्या होता है ना, वैसे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे और ऑयल वेल्स होंगे जहां से हम निकाल सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना उसका सर्वे करना, उसको खोज करना कि एक्चुअली कहां पर है, कहां से प्रोडक्शन हो सकता है, तो इसमें बहुत लंबा समय लगता है। और इसी की वजह से जरूरत है कि भारत को और ज्यादा जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसको अपनाया जाए। और मैं आपको यह भी बता दूं, हम ऑयल के मामले में तो 85% डिपेंडेंट ही हैं, और गैस के मामले में भी अगर आप देखोगे तो ऐसा नहीं है कि हम आत्मनिर्भर हैं, गैस के मामले में भी 50% हमारा जो कंजम्पशन है वो हम बाहर के देशों से कराते हैं, जैसे कतर हो गया, वहां से बड़ी संख्या से गैस हम मंगाते हैं। लेकिन अब क्वेश्चन यह है कि ये वाला जो केजी बेसिन है, यहां पर डीप वाटर जो बेसिन है जहां से ONGC एक्सट्रैक्ट कर रहा है ऑयल को, इसमें इतना डिले क्यों आया है? देखो कई सारे फैक्टर्स बताए जा रहे हैं, यहां पर कुछ जियोलॉजिकल इश्यूज हैं, जो सब सरफेस जियोलॉजिकल ज्योग्राफी से रिलेटेड इश्यूज होता है, यहां पर जो वेदर है वो बहुत चैलेंजिंग था जिसकी वजह से प्रोडक्शन करना इतना आसान नहीं था, फिर इसके अलावा यहां पर जो वेल लोकेशंस है, जो कुएं का जो लोकेशंस है वो भी कई बार चेंज हो रहा था, जो यहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन इश्यूज आ रहे थे बिकॉज ऑफ COVID-19 पैंडमिक, क्योंकि आप सोच के देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया इतना बड़ा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है, तो यहां पर कई सारे ऐसे आइटम्स हैं जो कि बाहर के देशों से आते हैं, तो
कोविड के समय क्या हो रहा था कि ये सारी चीज़ें जल्दी नहीं आ पा रही थी और ये कई कारण है जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार इसमें डिले देखने को मिल रहा था। खैर यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो मेन एम रखा गया था यहाँ पर इनिशियली प्लान किया गया था कि ऑयल का प्रोडक्शन 2021 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसको बार बार एक्सटेंड किया गया और फाइनली अब जाकर मतलब 7 जनवरी को पहली बार यहाँ से ऑयल का प्रोडक्शन किया गया है। और जहां तक गैस की बात है, मैं आपको बता दूं 4 साल पहले से ही यहां से गैस का प्रोडक्शन चल रहा है। इसका जो पहला फेज था वो मार्च 2020 से स्टार्ट हो गया था और वहां से गैस का प्रोडक्शन हो रहा था। और जब ये लॉन्च हुआ था ना प्रोजेक्ट, मैं आपको बता दूं 2018 में ONGC ने एस्टिमेट किया था कि इसमें जो कुल लागत है, इसका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, स्टार्टिंग में आपको पता है जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है उसके लिए जो कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है वो करीब $5 बिलियन के आसपास होगा और इसका जो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर है वो भी लगभग $5 बिलियन के आसपास होगा। और ये जो पूरा खर्चा है 5+5 मतलब लगभग $10 बिलियन का खर्चा आने वाला है। ये कब तक का खर्चा है? ये बेसिकली 16 साल का है। मतलब इतना खर्चा करके 16 साल तक ONGC भरपूर मात्रा में यहाँ से ऑयल और गैस जो है निकाल सकती है। खैर इसका कंक्लूजन क्या निकलता है, मैं आपको एक और चीज बता दूं, इससे भारत को तो मदद होगा ही होगा, हमें उतना इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट तो अभी भी हम करा ही रहे हैं, लेकिन यहां पर एक और चीज है कि ये जिस जगह की हम बात कर रहे हैं ना केजी बेसिन, वहां पर अभी तो क्या है कि अल्ट्रा डीप वाटर गैस डिस्कवरी, ये अभी इसको हमने शामिल नहीं किया इसके अंदर। यहां पर हो सकता है कि आगे चलकर अल्ट्रा डीप मतलब कि ये हम डीप वाटर की तो बात कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा नीचे यहां पर जो गैस की डिस्कवरी है वो बहुत जल्द हो सकती है। और वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है और भारत उसको मोनेटाइज कर पाता है, क्योंकि गैस तो है वो हमें पता है, लेकिन क्या होता है ना जितना ज्यादा डीप होगा वहां से उसको निकालने में बहुत ज्यादा कॉस्टिंग आएगी, तो ऐसा ना हो कि मार्केट प्राइस से इंटरनेशनल मार्केट प्राइस से ज्यादा कॉस्टिंग यहां पर आ जाए, क्योंकि ज्यादा कॉस्ट आएगा तो उसका निकालने का कोई फायदा नहीं है। तो यहां पर अगर हम उसको सही तरीके से मोनेटाइज कर सकते हैं तो एक तरह से यह दुनिया का सेकेंड डीपेस्ट हाइड्रो कार्बन डिस्कवरी माना जाएगा। खैर देखते हैं, इसमें अभी कई साल लगना बाकी होगा, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से यहां पर जो ONGC के प्रोडक्शन की बात कर रहे थे केजी बेसिन के बारे में वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से रॉक टाइप्स में मोस्ट लाइकली आपको ऑयल रिजर्व मिल सकता है, कौन से रॉक में ज्यादा चांसेस हैं, सबसे बेस्ट चांसेस हैं कि वहां पर ऑयल रिजर्व हो सकता है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट, कोई भी बैच लेना हो स्टडी IQ पर। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। चलें जी वीडियो खत्म हो गया भाई साहब। पहले तो हम यही सोचते थे कि पाकिस्तान भी अक्सर कहता था कि इंडिया में कोई जो है वो जेरे जमीन मदनियात नहीं, ये वो सारा कुछ पाकिस्तान है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, देख लिया भाई, अब तेल भी निकल रहा है। तो चलो इतने बड़े पैमाने पर नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी कोशिश है अगर दुनिया में, अगर क्योंकि जितने ज्यादा सैंक्शन लगे थे ना दूसरे ईरान पे या क्या कहे अफगानिस्तान, दूसरा क्या नाम है रशिया, इनके ऊपर जितने ज्यादा सैंक्शन लगे हैं ना भाई, ये कब का खत्म हो जाते हैं जब तक अगर इनके पास खुद का तेल ना होता, तेल और गैस। सही बात है। तो इंडिया नो डाउट भाई साहब बहुत ज्यादा जो है, अगर देखा जाए तो रशिया के साथ जितना भी ट्रेड है सबसे ज्यादा जो है इंपोर्ट जो है वो तेल की होती है, क्रूड ऑयल की। तो अगर इंडिया खुद से निकालता है तो जो फॉरेन रिजर्व जो है वो खर्च हो जाता है, वो तेल खरीदने में वो खर्च नहीं होगा, बहुत ज्यादा फायदा पर वो खुद की होगी। लेकिन इतने बड़े भंडार भी तो नहीं है ना तेल के, लेकिन शुरुआत तो ये तो शुरुआत है, हो सकता है इससे भी ज्यादा होगी। भंडार जगह जगह पर है वैसे, उसको खोदना ढूंढना मुश्किल होता है, ढूंढना वो पता है। ईरान में कंपनी जो है वो बर्तानिया की थी, 16% देते थे इनको, बाकी सारा वो कंपनी बंद हो गई होने के कगार दिवालिया हो गया था उसका भाई, के ढूंढने में इतना अरसा लग गया था उसको। तो ये बात है, सबसे बड़ी बात है ढूंढने में। अब 16 साल ये जो भंडार मिले, 16 साल यहाँ से निकाल सकते हैं, 5-6 मिलियन लगे हुए खर्चा उसको इंस्टॉल करने का, जो जो सिस्टम लगाया है निकालने का जो सारा सिस्टम 5 मिलियन लगा है, तो वो उससे खबर कितने बिलियन का निकालेंगे। बिल्कुल सही। तो ये भाई के
शुरुआत ढूंढना, अब हो सकता है आस पास के एरिए में और ज्यादा भंडार ले। ये 24 कुएं बताए गए कि 24 नहीं 26 कुएं हैं जहां पर भाई साहब तेल निकलेगा। साफ जाहिर भाई इंडिया को इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अब गैस हो तेल हो ये खुद का ही होगा तो भाई साहब दूसरे कंट्री से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, खुद से ही इस्तेमाल हो जाएगा। तो ये इंडिया के लिए भाई साहब आत्मनिर्भर बनने का जो है ना सबसे बड़ा जरिया है। सही बात है। अगर इंडिया एटमी प्लांट लगाता है ना एनर्जी के लिए, ये सबसे खराब चीज ये है भाई इंडिया के लिए, क्योंकि देखा जाए तो यूरेनियम निकली है इंडिया से, अगर उसको साफ करें और एटमी बिजली बनाना शुरू कर दें, पाकिस्तान में भी है लेकिन वो एटमी बिजली नहीं बना रहे, वो सस्ती है, इस्तेमाल करना नहीं आता ना सर, बात ये है वो बस इनकी खामी रह गई है कि वो एटमी प्लांट नहीं लगा सके। अगर वो एटमी बिजली बनाना शुरू हो जाए तो वो के थोड़ा सा मवाद इस्तेमाल करना अर्सा वो बिजली बना सकते हैं। तो ये भाई साहब एनर्जी का बेहतरीन जरिया और मिल गया है। साफ जाहिर है जो गाड़ियां चलती हैं वो एटमी बिजली पे तो चलेगी नहीं, वो गैस और पेट्रोल डीजल पे चलेगी। तो ये भी सबसे अच्छा जरिया है क्योंकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अचानक से सारी गाड़ियां इलेक्ट्रिक तो होने से नहीं, ये आस्ता आस्ता मैं कहता हूँ 50-60 साल लगेंगे कि मुकम्मल तौर पे जो है इलेक्ट्रिक गाड़ियां इस्तेमाल होना शुरू हो जाए। तो ये जो जीरो कार्बन वाला मिशन है वो भी भाई साहब अगर वो इलेक्ट्रिक होगी तभी तक मुकम्मल होगा। वो बस मिशन रखा है वो पूरा इतनी आसानी से वो अमेरिका करके दिखाए, जीरो मिशन तो कुछ नहीं कर सकता ऐसी बात। लेकिन कुछ आप तो दुनिया में मैं कहता हूं वो फिर कुछ अर्सा पहले उन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। अब ये जो जंग चल छिड़ी खड़ी है दूसरे रशिया यूक्रेन की इसराइल हमास की, उससे कितनी आलूदगी होगी। लेकिन ये भी तो है ना इन भंडारों ने खत्म भी तो होना है, इससे पहले किसी और मुतबादल सोर्स ढूंढ लेना उस पर बहुत बड़ी बात है भाई। ढूंढेंगे हाथ पे हाथ रख के जो इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, जो उनके पास मशीनरी है जो सिर्फ उसका काम ही यही है ढूंढना है, वो खोज करेंगे, निकालने वाले निकालेंगे बाकी वो और खोज करेंगे। तो भाई साहब बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है 2024 में। हालांकि ये पहले से निकला हुआ है लेकिन उसपे साफ जा रहा है कि कोई भी प्राइवेट इदारा है वो जब तेल निकालता है तो उसने ये भी देखना है कि भाई साहब ऐसा ना हो कि तेल निकालने में ज्यादा खर्चा हो जाए, वो फायदे की बजाय लॉस में चले जाए। बहुत सारे और देखा जाए तो भाई साहब जहाँ से निकाल रहे हैं वहां पर गहराई भी इतनी पर डे के हिसाब से 45,000 बैरल निकल रहा है, बहुत है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें।